डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भी इसकी विद्यासागर संज्ञा चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वीं का VBI क्वेश्चन BBD गाइड से है, एक्सरसाइज 6 यानी त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 61 है। मैंने पिछले वीडियो में 60 तक क्वेश्चन को हल कर दिया है। उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को लिंक दे दिया गया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, या आप लोग का आई बटन में भी आएगा तो उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। हल 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि थेल्स प्रमेय ने कहा था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो वर्ग देखिए, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, यानी 9:25 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 61 का आप लोग का आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है, तो 2AB बराबर DE और BC और 8 है, तो ये दुगुना हो जाएगा आप लोग का 16। तो ये देखिए 2018 में भी आया था, ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ठीक है। तो 62 का आप लोग का ए हो जाएगा यानी 16। 63 देखिए, सभी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है, सर्वांगसम आकृति समरूप भी होती है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होता है जरूर, ये चीज़ याद करने लायक है, ठीक है। और हाँ, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दें कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होती है कि नहीं, तो नहीं होती है, सभी सर्वांगसम समरूप हो जाएगा लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, ठीक है। 64 नंबर देखिए, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समचतुर्भुज होते हैं, तो सभी समचतुर्भुज समरूप होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, आपको चार चीज़ याद रखना है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समचतुर्भुज समरूप होते हैं, ये चारों चीज़ समरूप होता है, याद रखिएगा आप लोग। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर तो क्वेश्चन हो गया कि सभी समरूप समचतुर्भुज जो है वो समरूप भी होता है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो AD/DB 5/3 है, तो AE/EC क्या होगा? तो AE/EC 5/3 ही होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों थेल्स प्रमेय ने कहा था, ये दोनों बराबर होता है। लिखे आप लोग जानते हैं कि DE समांतर BC होगा, तो AD/DB बराबर AE/EC, तो AD/DB का जितना मान दिया है उसका भी उतना ही मान होगा, तो उतना ही हो जाएगा आप लोग का 5/3, यानी ऑप्शन नंबर 66 का सी हो जाएगा। 67 देखिए, दिए गए चित्र में x का मान निकालना है, तो x का मान देखिए किस तरह से निकालेंगे। ये x का मान निकालना है आप लोगों का, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पे आप लोगों का सय दिया गया है, यहाँ पे जब सय दिया गया है तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 80 और ये 80 हो जाएगा, तो ये 60 है, ये 60 और यहाँ पे 80, दोनों 140 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग का 40 हो जाएगा, 40। और देखिए यहाँ पे सीधे होता है 180, तो 40 यहाँ पे है, तो उधर हो जाएगा 140, यानी x का मान 140 आ जाएगा, यानी 140 डिग्री हो जाएगा, तो यानी 67 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर। 68 नंबर देखिए, x के मान l समांतर m है, l समांतर m है, तो देखिए दोनों को बराबर करिएगा, ठीक है, इसको और इसको बराबर करिएगा, आपका x का मान चला आएगा, x का मान आ रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी 68 का सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिए गए त्रिभुज ABC में A बराबर 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे A बराबर जो 90 डिग्री यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है, उसके बाद AD और BC लंब डाला गया है, BD बराबर 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, आप लोग चित्र में देख सकते हैं, और CD 4 है, तो AD का मान निकालना है, यानी आप लोग का जो लंब डाला गया है उसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो इसको आंसर मैं छुपा कर रखा हूँ, इसको बताऊँगा नहीं, ऐसे आप लोग कमेंट में इसका कोई इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जरूर बनाना है। अगर आप त्रिभुज यानी 6 पाठ पढ़े होंगे और थेल्स के नियम के बारे में पढ़े होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर हल करके कमेंट बताइएगा, तभी मैं आप लोगों का मानूंगा कि 10वीं में आप लोग मन ला कर पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा 69 नंबर का, ठीक है। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं, 70 नंबर दिया गया है, चित्र BC समांतर DE है, AD अनुपात AB, तो AE अनुपात हो जाएगा AC के, ठीक है, कहिए क्यों, इसलिए देखिए फिगर में देखिए यहाँ पे दोनों समांतर है, आप लोग जान गए, चलिए AD कहने का मतलब ये इतना और AB इतना और कुल समांतर है, इतना और कुल, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो AE
ए समांतर कुल हो जाएगा यानी एसी हो जाएगा। तो एसी आप लोग का देखिए, सबसे पहले यहाँ से इतना दिया गया है, पहला में इतना बटा इतना दिया गया है, तो इसमें इतना बटा इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी एसी हो जाएगा नीचे में, तो आप लोगों का 70 का ए हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर का चित्र में वाई का मान होगा, वाई का मान कितना होगा, सबसे पहले जानिए इसका मान क्या होगा। अगर देखिए ये सीधे होता है 180 डिग्री का, यहाँ पे 125 दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा 55 और यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो त्रिभुज का आप लोग जानते हैं मान कितना होता है, ये 70 है और ये 55, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाइएगा तो आप लोग का वाई का मान चला आएगा। तो वाई का मान आप लोगों का आ जाएगा 55, तो वाई का मान 55 यानी 71 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पर लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी जरूर जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि उसको भूलना नहीं है। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं आपको सुनहरा मौका मिल जाएगा वीवीआई क्वेश्चन देखने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्त के पास या आस पड़ोस जो जितने भी 10वीं क्लास के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पास ये वीडियो जरूर जरूर भेजिएगा।